कोरोना वायरस के चलते किए गए लॉकडाउन ने जहां अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाई, तो वहीं कई लोगों का रोजगार भी छिन गया। मजदूर वर्ग भी लॉकडाउन की मार से बच नहीं पाया। दीपावली पर मिट्टी के दीपक बनाने वाले कुम्हारों को भी खासी परेशानी हुई। हालांकि अब दीपावली के मौके पर कुम्हारों को उम्मीद जगी है। दरअसल देश भर में लोग चाइनीज सामान का बहिष्कार कर रहे हैं। सरकारें भी स्वदेशी उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने की अपील कर रही है। ऐसे में बीते कई सालों के बाद इस साल प्रयागराज के कुम्हारों के चेहरे पर खुशी की लहर है। कुम्हारों को उम्मीद है कि इस बार दीपावली पर कोई चाइना सामान का प्रयोग नहीं किया जाएगा, लिहाजा इस त्योहार में उनकी आमदनी अच्छी हो सकेगी। कुम्हारों के चेहरे पर रौनक भी दिख रही है। वहीं कुम्हारों का कहना है कि इस बार लोग इलेक्ट्रिक लाइटों से ज्यादा हमारे द्वारा बनाए दिए को पसंद कर रहे हैं। दीपावली आने से हफ्ते पहले ही दियों के अच्छे ऑर्डर मिल चुके हैं। बता दें कि कुम्हार रात दिन अपना चाक चलाकर ऑर्डर तैयार करने में जुटे हुए हैं। जिस प्रकार कोरोना महामारी फैली हुई थी, जो है कि उम्मीद से कहीं मतलब बेहतर हो रहा है। उम्मीद तो नहीं हुई थी कि दीपावली मतलब सही से बीत पाएगी जो है, मगर उससे काफी बेहतर जो है। दियो में कितनी मांग बढ़ गई लोगों में? दियो में काफी रुचि मतलब लोग दिखा रहे हैं, मतलब फैंसी कम लेकर के घरेलू दिए मतलब मिट्टी के दिए ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसलिए काफी मतलब जो है डिमांड बढ़ी है जो है। अच्छा, पिछले साल से अब की साल में कितने अच्छी बीत रही दिवाली? पिछले साल मतलब हाँ बेहतर है, मतलब पिछले साल से काफी बेहतर रहा है इस बार जो है। क्या नाम है आपका? संजय प्रजापति। वहीं स्थानीय लोगों ने भी चाइनीज सामानों का विरोध जताते हुए मिट्टी से जुड़े सामानों को पहली प्राथमिकता बताई है। जी, मैंने यहाँ 650 रुपए के दिए लिया है, घरौंदा लिया है, मिट्टी के और भी दो तीन कारीगरों का मैंने देखा काम मुझे अच्छा लगा तो मैंने उनको भी लिया, तो 650 रुपए का मैंने सामान लिया है। और कोरोना काल में जो कि सभी परेशान थे, सभी वो थे, तो ये एक भारतवासी होने के नाते हम सब का ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने स्वदेशी चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा दें। हमारे देश के लोगों की सामान जो कारीगर हैं जो मेहनत से बनाते हैं, उनके काम को हम प्रोत्साहित करें। और इसीलिए मैंने सोचा कि इस बार हमने चाइना के प्रोडक्ट को पूरी तरह से नकारते हुए घरेलू चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते रहते हैं, हर नागरिक को भी कहता है, इस बार भी उन्होंने कहा कि हम भारत की वस्तुओं पर ज़्यादा ध्यान दें, जिसमें अर्थव्यवस्था में भी बहुत बदलाव आएगा। अभी आपने देखा होगा कि कोरोना काल में अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री हों और मुख्यमंत्री जो हैं, उन्होंने जो ऐसा कहा पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, सबके लिए मैं यही आग्रह करूंगा जो हम। और सबसे बड़ी बात है, ये इको फ्रेंड भी है, इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक हो, और हमारे जो गरीब भाई मजदूर हैं उनको भी आर्थिक रूप से एक तरफ से मदद करेगा त्योहारों में उनका सामान लेने से। आपको बता दें कि कुम्हार पिछले एक महीने से लगातार मिट्टी के बर्तन और दीपक बनाने में लगे हुए हैं। पिछली बार की अपेक्षा इस बार उनकी दीपावली खास होने वाली है। कुम्हारों ने दीपावली के लिए बड़ी संख्या में मिट्टी के लक्ष्मी, गणेश और दीपक बनाकर स्टॉक किए हुए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए प्रयागराज से सैयद रजा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की सभी माताओं, बहनों, भाइयों को राकेश जायसवाल, जनसत्ता पार्टी जिला अध्यक्ष गंगापार प्रयागराज की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामना।